लक्ष्मी का स्वागत है। आज सुबह 11:50 पर लखनऊ पहुंचेंगे महामहिम। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से पहुंचने के बाद वो सड़क मार्ग के जरिए गवर्नर हाउस जाएंगे। इस दौरान उनका काफिला लखनऊ के चारबाग हजरतगंज होता हुआ राजभवन जाएगा। वीवीआईपी दौरे के देखते हुए शहर में सड़कों पर कई जगह रूट डायवर्जन रहेगा। विभिन्न मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जबकि कार्यक्रम के दौरान छोटे वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं से पहले चारबाग रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इसी सब विषय को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने। क्या कुछ उनका कहना है, सुन लेते हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन हो रहा, द्विदिवसीय दौरा है उनका। क्या कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानक स्थापित किए गए हैं, इसी तमाम विषय को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर साहब, जिनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ व्यवस्था को मुकम्मल किया गया है ट्रैफिक से लेकर और तमाम? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति का कल आगमन हो रहा है रेल रोड से 11:50 पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर। वहाँ आगमन के साथ वहाँ से महामहिम जैसो राजभवन आएंगे और कल राजभवन में ही सायंकाल माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगणों के साथ हाई टी पार्टी। कल और कोई कार्यक्रम नहीं है। उसके अगले दिन 11:30 पर लोकभवन में एक कार्यक्रम है 40 मिनट का। उसके बाद महामहिम फिर वापस राजभवन जाएंगे और सायंकाल 4 बजे वहाँ से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उनका प्रस्थान है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, चारबाग रेलवे स्टेशन है, रूट है, लोकभवन है और राजभवन है, इन सब पर हम लोगों ने अपने जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के चाहे प्रशासन के, उसकी कल हम लोगों ने ब्रीफिंग की। आज हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पर हम लोगों ने रिहर्सल कर लिया, सब जगह ड्यूटियाँ चेक कर ली, सबको ब्रीफिंग कर दिया है और हम समझते हैं कि हमारा कार्यक्रम सकुशल संपन्न होगा। कितनी फोर्स लगी है सर? फोर्स एग्जैक्ट संख्या सुरक्षा कारणों से हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन पर्याप्त फोर्स लगी है। फोर्स जितना हम लोग अपने कमिश्नर से लगा पाए उतना है। उसके अलावा जहाँ हमें बाहर से जरूरत पड़ी, बाहर से भी हम लोगों ने अधिकारियों को बुलाया है, बाहर से पीएससी आई है, बाहर से जैसे एसएसबी कंपनी भी आई है, तो फोर्स पर्याप्त। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि व्यवस्था को पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया गया है। कैमरामैन मुश्ताक के साथ उमेश मित्रा, के न्यूज लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राजधानी आ रहे। ट्रैफिक को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राजधानी दौरा, ट्रैफिक को लेकर अलर्ट जारी। प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से पहुंचेंगे लखनऊ, सड़क मार्ग से सीधे गवर्नर हाउस जाएंगे राष्ट्रपति। न्यायाधीशों के साथ हाईटी का कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करेंगे, वर्चुअल शिलान्यास करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थोड़ी ही देर में लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस वक्त कानपुर में मौजूद हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जगह जगह रूट डायवर्जन किए जा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता भी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ राजधानी लखनऊ से भरत शेट्टी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सारिका, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि इस वक्त कानपुर में मौजूद हैं राष्ट्रपति। क्या कुछ अभी उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, कब तक लखनऊ के लिए रवाना होंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो किस तरीके से तैयारियां? देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो हैं वो 3 दिवसीय दौरे पर हैं कानपुर में। वो फ्राइडे की रात को 7:35 पे आ गए थे यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और उसके बाद जो है वो यहाँ पर सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। लगातार वहाँ पर अपने परिजनों से, रिश्तेदारों से मुलाकात करी सैटरडे को उन्होंने और संडे को उन्होंने अपने गाँव का रुख किया। वहां पर वे गए, कई निजी कार्यक्रमों में शिरकत करी। उसके बाद आज बात करी जाए तो आज 10:10 पर वो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार सर्किट हाउस में जो पुलिस व्यवस्था है उसको बहुत ही कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अंदर ना जा पाए। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने सर्किट हाउस में सुबह एक वृक्षारोपण किया। एक वृक्षारोपण करने के बाद उन्होंने जो कानपुर शहर के आला अधिकारी हैं, जैसे कि कमिश्नर हो गए, जिला अधिकारी हो गए, उसके अलावा
मंडलायुक्त हो गए, उनसे उन्होंने शहर के खाका को भी जाना है, किस तरीके की शहर में योजनाएं चल रही है उनकी भी जानकारी करी है, और उसके बाद ये 10:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए निकल जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से ट्रेन में सवार होकर यहाँ से लखनऊ का रुख करेंगे। इस दौरान जो व्यवस्था करी गई है कि जितने भी लगभग 18 से 36 पुल ओवर ब्रिज या फिर जो पुल है वो पड़ेंगे इनके रूट में, और उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, वहां का जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया जाएगा, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति की ट्रेन वहां से गुजरेगी। इस तरीके की कड़ी व्यवस्था करी गई है, और 11:50 पर राष्ट्रपति जो है वो अपनी ट्रेन पे से जो है लखनऊ चारबाग पहुंचेंगे। सारिका, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि सुबह से ही रूट डाइवर्जन किए जा रहे हैं और सुबह से ही जगह जगह जाम देखने को भी मिल रहा है शहर में, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं, क्योंकि रूट डाइवर्जन किया जा रहा है जिसकी वजह से जाम भी लग रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल यशि, आपको बता दें कि जिस तरीके से जब राष्ट्रपति कानपुर आए थे तो एक बड़ी चूक हुई थी, जाम की वजह से एक महिला ने अपनी जान गंवा दी, वहीं जब उनका दौरा उनके जो पैतृक गांव के लिए लगाया गया तो भी एक बड़ी चूक देखने को मिली, क्योंकि उनका जो स्क्वाड था वो उन्हें निर्धारित रूट से नहीं लेके गया था, और यही वजह रही है कि लगातार जिस तरीके से चूक हो रही है उसने सवालिया निशान लगा दिया है उनके रूटों पर, उसके अलावा उनकी सुरक्षा पर, और जो यहाँ पर जाम लगाया जा रहा है ताकि किसी तरीके की कोई भी चूक ना हो पाए, कोई भी रूट डाइवर्जन अचानक ना कर दिया जाए, ना ही किसी तरीके की कोई सेध लग पाए उनके कार्यक्रमों में, इसलिए यहाँ पर जगह जगह जो है ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, ट्रैफिक रोका जा रहा है, और उसके अलावा भी जो चूके हैं वो लगातार दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल सारिका, लेकिन जाम तब भी लग रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना तब भी करना पड़ रहा है, कमिश्नर ने माफी जरूर मांगी थी लेकिन, और ये भी साथ ही साथ कहा था कि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, इस तरीके की समस्याएं जो हैं वो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि जाम लगा हुआ है। राष्ट्रपति को 10 के करीब यहां से निकलना है लेकिन उससे पहले ही रूट डाइवर्जन किया जा रहा है, उससे पहले ही जाम की स्थिति जो है वो शहर भर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल यशि, जिस तरीके से कल उनके रूट डाइवर्जन को लेकर एक बड़ी चूक हुई थी उसके बाद जो प्रशासन है वो काफी तेज गति से कार्य कर रहा है, अब कोई भी चूक ना हो इसकी व्यवस्था कर ली गई है। यही वजह है कि कैंट स्थित जो भी चौराहे हैं या फिर जो भी सड़कें हैं वहां पर पुलिस की चप्पेमारी चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है, जो रूट है वहां पर जो वाहन सवार निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है, ट्रैफिक को रोका जा रहा है, और ये जो समस्या है जब तक कानपुर में राष्ट्रपति रहेंगे तब तक शहरवासियों को झेलनी पड़ेगी, जब राष्ट्रपति चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे जो जाम की समस्या है उसके लोगों को किसी हद तक की निजात मिल पाएगी। जी बिल्कुल सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के राजधानी दौरे की, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 10:10 पर यहाँ से रवाना होंगे कानपुर से और राजधानी लखनऊ जाएंगे, और लखनऊ की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से पहुंचेंगे लखनऊ, सड़क मार्ग से सीधे गवर्नर हाउस जाएंगे राष्ट्रपति, न्यायाधीशों के साथ आईटी का कार्यक्रम का आयोजन, जैसे कि सारिका भी हमारी बता रही थी कि किस तरीके से जगह जगह जाम की स्थिति जो है वो शहर में देखने को मिल रही है, हालांकि जब तक राष्ट्रपति रहेंगे लोगों को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, राष्ट्रपति के जाने के बाद बहुत हद तक जाम की स्थिति से निजात लोगों को मिल पाएगा। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप